फ्रेंड्स, मुझे मालूम है आप लोग मेरी की तरह ही नए स्पीकर बॉक्स का इंतजार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि मैं अपना नया स्पीकर बॉक्स बनाने के लिए, जो कि मैं स्वीटन कंपनी के 10 इंच 120 वाट के वूफर के साथ बना रहा हूँ, उसके लिए मैं MDF बोर्ड खरीद के ला चुका हूँ और उस पर कटिंग का काम मैं इस वीडियो को बनाने के बाद चालू करूंगा। दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें ट्विटर के साथ एक कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है ताकि ट्विटर में सिर्फ हाई फ्रिक्वेंसी जाए, लो और मिड फ्रिक्वेंसी ना जाए और हमारा ट्विटर सेफ रहे। अब आप ये देख रहे हैं, ये PF कैपेसिटर, पॉलीप्रोपिलेन कैपेसिटर भी 4.7 माइक्रोफेरेट का है, लेकिन इसकी वोल्ट 250 है। ये कैपेसिटर जो आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है, ये भी 4.7 माइक्रोफेरेट का है, जिसकी वोल्ट 63 वोल्ट है। वोल्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वोल्ट कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मिनिमम आप 63 वोल्ट का कैपेसिटर जरूर यूज कीजिए अपने ट्विटर के साथ। जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करते हैं आप, तो आप लोगों को दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ तो ये है कि इस कैपेसिटर में पॉजिटिव और नेगेटिव दो टर्मिनल होते हैं, तो इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल आप लोगों को ट्विटर के साथ कनेक्ट करना है और इसका पॉजिटिव टर्मिनल हमें कनेक्ट करना है एम्पलीफायर की केबल के साथ। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में हम लोगों को ऐसा कोई ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो आप किसी भी तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। अब ये दोनों ही कैपेसिटर 4.7 माइक्रोफेरेट के हैं, तो क्या इन दोनों से ट्विटर की साउंड में कुछ डिफरेंस आएगा, ये मैं आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल के साथ ही बताऊंगा साउंड टेस्ट में। आप लोगों को वर्बली बताने की बजाय मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे पास ये दो अलग अलग टाइप के ट्विटर हैं, जिनके रिव्यू, अनबॉक्सिंग, कंपेरिजन और साउंड डिफरेंस भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे। ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में मेरा जो ट्विटर लगा हुआ है उस पर मैंने लगा रखा है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और लेफ्ट साइड में जो ट्विटर है उस पर लगा रखा है पॉलीप्रोपिलेन यानी PF कैपेसिटर। दोनों ही ट्विटर को मैं अपने सिलेक्टर स्विच की मदद से अलग अलग चलाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को साउंड में डिफरेंस। रिक्वेस्ट है, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा कि आप लोगों के विचार में कौन सा कैपेसिटर अच्छा रहेगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक ही मुझे मोटिवेट करते हैं ऐसा वीडियो बनाने के लिए और कंटिन्यू चैनल को करने के लिए। फ्रेंड्स, दोनों ही ट्विटर के साउंड में मुझे बहुत ज़्यादा डिफरेंस मिला। जो पॉलीप्रोपिलेन कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है, उसकी साउंड काफ़ी ज़्यादा लाउड थी, शार्प थी, हाई फ्रिक्वेंसी मुझे उसकी अच्छी लग रही थी। जबकि जो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा रखा है राइट वाले ट्विटर में, उसकी साउंड जो है काफ़ी स्लो महसूस हो रही थी, कम थी इसके मुकाबले में।
पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर जो मैंने लगा रखा ट्विटर पे, इसकी लाउडनेस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वाले ट्विटर से लगभग डबल थी। यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वाले ट्विटर में साउंड का जो वॉल्यूम है, लाउडनेस है, वो काफ़ी कम था और फ्रीक्वेंसी भी मेरे को इसके मुकाबले में कम शार्प लग रही थी। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हम लोगों को जो हाई वाटेज वाले वूफर होते हैं, मिड रेंज होते हैं, उसके साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर एम्पलीफायर भी यदि आपका काफ़ी पावरफुल है तो भी आप लोगों को पॉलीप्रोपाइलीन कैपेसिटर ही यूज़ करना चाहिएगा। आप लोग भी कमेंट के जरिए प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।